सगाई से पहले लड़का ये बोला कि मैं नशा नहीं करता और ड्रिंक को तो हाथ तक नहीं लगाता, और शादी वाले दिन मंडप में फूल पी के आया। ऐसे हालात में दुल्हन क्या करेगी, मंडप छोड़ के भागेगी ना। इस दुनिया में हर चीज की शुरुआत इंसान खुद करता है, लेकिन नशा, खासकर दारू, इसकी शुरुआत दूसरों से होती है, वो भी जोर जबरदस्ती। चार दोस्त बैठ जाएंगे और जो एक दोस्त नहीं पीता होगा उसको जबरदस्ती पिलाएंगे। पहला वाला बोलेगा, तुझे भाई की कसम पी, तू अब बड़ा हो गया है, तू शेर है, तू टाइगर है, बच्चों वाली हरकत मत कर, नाक कट जाएगी अपनी। अगर बंदा नहीं पिया तो उसे फिर अलग तरीके से पिलाएंगे, बोलेंगे तुझे होने वाली भाभी की कसम। अगर बंदा पी लिया तो ठीक, वरना होने वाली भाभी तो गई बिना गलती के ऊपर, है ना। इनके ना पीने के एक बहाना बता दो, एक बहाना। इनका एक डायलॉग होता है कि पीते हैं तो जीते हैं, मतलब जो लोग नहीं पीते वो लोग नहीं जीते। इनसे प्यार से बोलो, ओ जी दारू मत पीजिए, तो बोलेंगे तू पागल है क्या, सेहत के लिए नुकसान उसको होता है जो दारू के साथ सिगरेट पीते हैं, मैं तो सिर्फ दारू पीता हूँ। तो कोई डायलॉग मारेगा कि मैं सिगरेट पीता हूँ, दारू पीता हूँ, थोड़े ना इंजेक्शन ले रहा हूँ, ड्रग्स ले रहा हूँ, जो मेरे को दिक्कत आएगी। मतलब इनके अलग अलग बहाने होते हैं, ना पीने के एक बहाना बता दो, एक। कोई मर गया है तो पीना है, कोई पैदा हुआ है तो पीना है, किसी की ब्रेकअप हुई तो पीना है, किसी का पैचअप हुआ तो पीना है, मतलब हर हाल में पीना है। चिट भी मेरा, पट भी मेरा, सिक्का मेरे बाप का। पीना गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर आपकी इनकम करोड़ों है, लाखों है, तो शौक से पीजिए। 60-70 हजार भी है तो दिल खोल के पीजिए। दिक्कत तो उनको आती है जिनकी मंथली पेमेंट 10-15 हजार होती है, उनकी आधी कमाई तो पीने में चली जाती है। और दिक्कत पीने वाले को नहीं आती है, उनकी बीवी और बच्चों को आती है। बेटी को पढ़ना है इंग्लिश मीडियम में, बट वो हिंदी मीडियम में पढ़ती है। बच्ची को स्कूटी चाहिए कॉलेज के लिए, बट वो साइकिल से काम चलाती है। साइंस लेके पढ़ना है, लेकिन आर्ट्स लेके पढ़ती है। हर लड़की का एक सपना होता है कि उसका जीवन साथी डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अच्छा घर परिवार हो, लेकिन पापा ये नहीं रहे। तो अब उस लड़की को भी वही जिंदगी जीना है जो पूरी जिंदगी उसकी माँ जीते हुए आई है। मैं इस कैरेक्टर में 10 दिन से हूँ और ऐसा लग रहा है कब शूटिंग खत्म हो और मैं इस कैरेक्टर से बाहर निकलूं, मेरा दम घुट रहा है। तो उन औरतों के ऊपर क्या बीतती होगी जो पूरी जिंदगी इस हालात को झेलती हैं। ऐसी करोड़ों लोग हैं, लाखों औरतें हैं जो इस तकलीफ से गुजरती हैं। मैंने कहा पीना गलत नहीं है, लेकिन किसी को जबरदस्ती पिलाना गलत है। शौकियल तौर पे जो आप पीते हो वो गलत है, क्योंकि जितने भी लोग आपको जोर जबरदस्ती पिलाते हैं वो भगवान से दुआ करते हैं कि आगे चल के उनके बेटे को ये लत ना लगे। लत लगने में सिर्फ 2 दिन लगती है और छूटने में पूरी जिंदगी, फिर भी नहीं छूटता। बाकी तो आप लोग समझदार हैं।